नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल 2023 दोनों दिन रखा जाएगा। पहले दिन परिवार जनों को व्रत करना शुभ रहेगा, वहीं दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय की एकादशी है। कामदा एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि इसके प्रताप से ब्रह्मा हत्या जैसे गंभीर पाप से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी की पूजा में कथा का श्रवण जरूर करें। कहते हैं कि इसके बिना व्रत और श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कामदा जी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक पुंडरीक नाम का राजा था, जिसका राज्य भोगीपुर में था। राजा पुंडरीक धन संपदा से परिपूर्ण था। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। राजा पुंडरीक तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वो मनुष्य और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाएगा। ललित उसी पल 8 योजना वाला महाकाय विशाल राक्षस हो गया। राक्षस योनि में आने के बाद ललित का जीवन दुखों से भर गया। ललिता अपने पति की ये हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गई और पति के श्राप से मुक्ति का उपाय सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत श्रृंगी श्री का आश्रम पहुंची और इस दुविधा से निकलने का रास्ता पूछा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को बताया कि वो चैत्र माह की कामदा एकादशी का व्रत करें। ललिता ने पति को श्राप मुक्त कराने के उद्देश्य से विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत पूजन किया और द्वादशी पर व्रत पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पति पत्नी पुनः खुशी से जीवन यापन करने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।